आज हम आपको जो है वो पूरा लाइफस्टाइल दिखाने वाले हैं कि थरपारकर के अंदर एक गांव की जिंदगी में क्या क्या मुश्किलात है और क्या उनके जो है वो जिंदगी के अंदर अभी कैफियात है, उनसे इंशाल्लाह बात भी करेंगे। आपको दिखाते चले, ये इसको एक गांव बोलते हैं, कच्चे घर बने हुए होते हैं यहाँ पे, जो ये लोग खुद ही बनाते हैं, चौरा कहते हैं उसको, चौरा। और इनका जो बेसिक इकोनॉमी का जरिया है वो लाइफ स्टॉक है, और लाइफ स्टॉक का सर्वाइव भी कर सकता पानी ना। पानी के लिए अहमद राज शूट ने यहाँ पे जो सोलर प्रोजेक्ट बनाए, वेल्स बनाए, जिससे जो है वो पानी की जरूरत इंशाल्लाह इस गांव की इंशाल्लाह पूरी होगी। मस्जिद की तरह मुझे दिखाएं, मस्जिद जो है वो कह रहे जी टूट चुकी है, बड़ी खस्ता हाल थी, तो उसकी रेनोवेशन की जो है गुजारिश की जा रही है कि मदरार उसकी रेनोवेशन का जो इंशाल्लाह काम करे, तो देखते हैं जी मस्जिद में इंशाल्लाह क्या हो सकता है। ये हम आ चुके हैं इसी विनीको सांत के गांव के अंदर, मस्जिद जहाँ पे हमने वो कुआं वहाँ पे बनाया सूरज प्रोजेक्ट। ये मस्जिद है जो कह रहे हैं जी इस हाल में पहुंच चुकी है, कोई रेनोवेशन करने वाला यहाँ पे नहीं है, ना कोई यहाँ पे पहुंचे है, ना ये किसी को बता सकते। तो इंशाल्लाह अलमिदरार इंस्टीट्यूट जो है इसकी जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं, इसको इंशाल्लाह रेनोवेट करेंगे इस मस्जिद को। बारिश में जो है वो कह रहे हैं जी शहीद हो चुकी है ये, अंदर जाके दिखाएं भी ले। मैं अगर ये जी मस्जिद है यहाँ की मकामी, और ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी इंशाल्लाह हम कर सके, शेख साहब ने इसका जो है वो सबको अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया, हमने इनको कमिट भी किया है इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये मस्जिद जो है इंशाल्लाह हम इसको पूरी तरह मुरम्मत करेंगे इंशाल्लाह। इसको क्रैक आ चुके हैं, किसी वक्त जो है वो शहीद हो सकती है, अल्लाह जो है वो इसको कायम रखे और इंशाल्लाह हमसे इसके जो है ना वो काम ले। चलते हैं जरा इनका छोटा सा एक यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ घर जैसा, यहाँ पे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो है विनीको सांत के इलाके के अंदर गांव के अंदर आपको भी क्या क्या जो है वो मुश्किलात का सामना है? हमारे ये मुश्किलात है, हम गरीब लोग हैं, इधर कोई ऐसी बस्ती नहीं बना सकते हैं जिसमें हम सुकून से रहें, दिन को सुकून से रहें, शाम को सुकून से रहें, और सालोन वगैरह हम बना सकें, कुछ ऐसा घर नहीं बना सकते, और बाहर जो आती है उसमें हम होते हैं, ऊपर से पानी आते हैं, अंदर जो है बहुत खराब होते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा सकें, अगर मैं आपको दिखा सकूँ ये बिल्कुल, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो बिल्कुल ये जो है कच्ची छत बनी हुई है पत्तों से, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, क्रैक भी हो गए हैं, देखिए क्रैक्स साइड में क्रैक्स आए हैं, बेचारे इतनी मेहनत से बनाते हैं, हल्की सी थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो जाती है तो ये कच्चे मकानात की छतें जो है ना वो टिपकना शुरू हो जाती है, ना अंदर बैठ सकता है ना बाहर बैठ सकता है। देख सकते हैं आप चूल्हा जो है वो बुझ चुका है यहाँ पे, और चूल्हे की वजह से ये जलता नहीं है, नहीं ये नीचे सही सही। अच्छा जी, अब आप